साथ में चेक करने जा रहा हूँ कि नया टायर लगाने के बाद इसके परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं। ब्रांड्स के गाड़ियाँ के ऑनर जितने सारे नए नए ब्रांड्स अभी आ रहे हैं, जितने भी सारे पुराने ब्रांड्स हैं, उन सब के जो सर्विस सेंटर है उन सभी के कस्टमर गाड़ी रिटर्न करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ फिर से गाड़ी रिटर्न लेगा, फिर से लग देगा एक दो हफ्ते फिर से रिटर्न देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सो हेलो जी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से एक मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि कुछ दिनों से इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है कि बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। सो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब अगर निकला जाए तो सुबह सुबह निकले गए अर्ली मॉर्निंग, या फिर इस टाइम पर निकले गए शाम से थोड़ा पहले आफ्टरनून पर। ये दोनों टाइम अभी थोड़ा ठंडा रहता है, बाकी तो पूरे दिन भाई निकलना इम्पॉसिबल हो गया है। एंड इतना ज़्यादा गर्मी है, गर्म हवा भी चलती है, तो बहुत ही मुश्किल हो सकता है निकलना जानते हो। और कुछ दिनों पहले मैं निकला था ऐसे घूमने के लिए, तो उस कारण से मुझे फीवर भी हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सुबह निकले गए या फिर शाम से पहले निकले गए ब्लॉग अगर करना होगा तो। एंड गाइस, जब से मैंने सेकेंड हैंड बाइक्स का वीडियो बनना शुरू किया है तब से भाई क्या रिस्पॉन्स आ रही है हमारे चैनल पर, मतलब हर एक वीडियो पर 6-7 हज़ार करके व्यूज़ आ रहा है। सो इस कारण से हम लोगों का जो सब्सक्राइबर्स है वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है। एंड कुछ दिनों पहले हमारा 2000 सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो चुका है, अब जल्दी से जल्दी 3000 भी कर दो, ये रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। सो आई नो कि तुम लोग कर लोगे। सो आज मैं चेक करने जा रहा हूँ कि नया टायर लगाने के बाद इसके परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं। सो यही देखने वाले हैं, क्योंकि गाइस पहले पुराना टायर में 140 सेक्शन का टायर था एंड उसको मैंने चेंज करके 150 सेक्शन का टायर लगाया, थोड़ा सा मोटा टायर है ये, तो वही देखने वाले हैं। एंड वैसे भी माइलेज में थोड़ा सा अंतर आया है, ज़्यादा नहीं, मैं तुम लोगों को पहले ही बता रहा था, एक या दो ड्रॉप हुआ है, उससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है। और ये देखो फिर से सिग्नल आ गया हम लोग का, सो सिग्नल के बाद तुम लोगों से फिर से मिलते हैं। एंड गाइस, साथ ही साथ आज हम लोग चेक करेंगे कि ये नया जो चेंज पैकेट मैंने चेंज किया था जो कि था R15 वर्जन 2 का, उस चेंज पैकेट को लगाने के बाद परफॉर्मेंस में कैसा चेंजेस आया है। मैंने एक वीडियो तो बनाया था इसका सेपरेट, लेकिन आज फिर से हम चेक करेंगे, थोड़ा सा इसको भगाएंगे। टॉप स्पीड तो नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे यहाँ पर वैसा रोड है नहीं टॉप स्पीड उठाने के लिए, तो मैं ट्राई करूँगा कि 5th गियर तक मैं इसको लेके जाऊँ एंड चेक करूँ कि कैसा इसका टॉप स्पीड इंक्रीज हुआ है। एंड गाइस, आप इसका बैटरी भी डाउन हो रहा है धीरे धीरे, मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि कभी कभी इसका हॉर्न थोड़ा सा धीरे बज रहा है, कभी कभी इसका हॉर्न जोर से बज रहा है, तो इस कारण से मुझे समझ में आ रहा है कि इसका बैटरी भी थोड़ा डाउन हो रहा है अभी। तो बैटरी तो अभी चलेगा, लेकिन इसको भी चेंज करना पड़ेगा गर्मी के मौसम में ही, क्योंकि उसके बाद तो मौसम का मौसम आ जाएगा। अभी तो ठीक से गर्मी भी नहीं पड़ा, तो अब तो गर्मी और भी पड़ेगा, तो इसी कारण से मैं सोच रहा हूँ भाई हालात क्या होगा हम लोगों का। एक्चुअली हम लोग तो मोटर ब्लॉगर्स है और हम लोगों का काम ही है बाहर बाइक लेकर घूमना एंड जो भी कंटेंट है उसको कैप्चर करना, तो हम लोग का जो भी मेन पर्पस होता है वो बाहर ही रहता है एंड अभी बाहर निकलना ही बहुत ही मुश्किल हो चुका है। सो गाइस, जस्ट मैंने इसका चेंज पॉकेट चेंज किया था तो अब इसका टायर एकदम खराब हालत में था, तो उस टाइम मैंने बहुत रिस्क लेके इसका स्पीड चेक किया था, लेकिन उस वक्त मुझे करना नहीं चाहिए था। अगर हल्का सा कोई पत्थर आ जाता सड़क पर तो आप तो इसका टायर नया डाल चुका है, आप इसका चेक करेंगे टॉप स्पीड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर सड़कें उतनी अच्छी नहीं है, अपना हाईवे भी उतना अच्छा नहीं है, तो इस कारण से ही थोड़ा सा देख के चलाना पड़ेगा। सो मैं कोशिश करूँगा इसका स्पीड 5th गियर तक उठाने का, देखते हैं कि 5th गियर तक इसका टॉप स्पीड कितना जाएगा, और अगर हो सके तो मैं इसका 6th गियर लगाऊंगा। लेकिन आई नो कि इसका 6th गियर लगाने से भी उतना टॉप स्पीड इसका अचीव नहीं होगा, सामने कोई ना कोई गाड़ी तो आ ही जाएगा इसलिए। एंड देखो अभी कितना सुंदर अभी सनसेट हो रहा है। नहीं भाई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, शायद कोई वेट कर रहे किसी का। सो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम लोग इसका हाई स्पीड रन करेंगे, चेक करेंगे कितना उठ सकता है गाड़ी। एंड एक और चीज़ है कि जब से मैंने इसका टायर चेंज किया है, नया टायर लगा है, उसके बाद से गाड़ी का वाइब्रेशन भी थोड़ा बहुत कम हुआ है, मतलब इसका वाइब्रेशन का एक और रीज़न था इसका पुराना टायर। तो चेक करेगा भाई, देखते हैं कितना जाता है गाड़ी, अभी पता नहीं भाई कितना जाएगा, चलो ट्राई करते हैं।
जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सामने कोई ना कोई गाड़ी आ ही जाएगा, इसीलिए तो थोड़ा सा और आगे जाते हैं, देखते हैं पॉसिबल होता है कि नहीं। देखो गाइस यही फॉल्ट में हम लोग हाईवे का, कोई ना कोई गाड़ी आगे आ ही जाएगा, इसलिए इसका हाई स्पीड रन एकदम भी पॉसिबल नहीं है इस बाईपास पे। मैंने इसका टॉप स्पीड एक बार चेक किया था जो कि था धनबाद वाला बाईपास, उसमें भाई प्रॉपरली इसका टॉप स्पीड चेक हुआ, तो वहाँ पर विंड ब्रांच भी बहुत कम होता है एंड रोड एकदम सीधा मिलता है एंड गाड़ियाँ तो बहुत ही कम है वहाँ पर। हम लोग हाई स्पीड रन करते करते माइथन ही पहुँच गए थे ऑलमोस्ट। सो आप इधर से चाहे देखते हैं, तो पहले ये वाला डाइवर्सन तो क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद ट्राई करेंगे हाई स्पीड रन। सो गाइस जस्ट इतना ही जा रहा है फिफ्थ गियर पे, 142 या 143 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ही हम लोगों का टॉप स्पीड हुआ जितना हो सके मेरे से। अगर किसी दिन धनबाद फिर से जाएंगे तो उस बाईपास पे मैं इसका टॉप स्पीड चेक करूँगा एंड देखेगा कि तब कितना टॉप स्पीड दिखाएगा। एंड अभी मुझे लग रहा है गाइस कि इसका टैपेट एडजस्टमेंट ठीक से करवाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जिसने भी इसका टैपेट एडजस्ट किया है उसने इंजन वाल्व तो ठीक से एडजस्ट किया लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व ठीक से एडजस्ट नहीं किया है। आई थिंक उस कारण से गाड़ी अभी थोड़ा सा ज़्यादा हीट हो रही है, क्योंकि एग्जॉस्ट का जो वाल्व है वो ठीक से ओपन नहीं हो रहा। गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, लेकिन सर्विस सेंटर वाले ने गाड़ियों की ख़त्म कर दी और कुछ नहीं। मैं एक और बोलने वाला था लेकिन अपने चैनल में ये सब नहीं कह सकते। देखो यार, मैं किसी स्पेसिफिक सर्विस सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से पूछी तो मैक्सिमम सभी लोग सभी ब्रांड्स के गाड़ियाँ के ऑनर, जितने सारे नए नए ब्रांड्स अभी आ रहे हैं, जितने भी सारे पुराने ब्रांड्स हैं, उन सब के जो सर्विस सेंटर है उन सभी के कस्टमर को एक ही प्रॉब्लम है भाई, कि सर्विस हमको ठीक से नहीं दे रहा। एंड सर्विस हो रहा है लेकिन हम लोग का गाड़ी वैसे ठीक नहीं हो रहा जैसे हम लोग चाहते हैं, तो इसलिए नए नए सर्विस सेंटर्स में यही प्रॉब्लम हो रही है अभी। उन लोगों को भाई काम करने का बंदा चाहिए,
और बाहर से कहीं से भी उठा के काम करवाना घुसा देता है। जो बंदा गाड़ी का वॉश करता है उस बंदे को दे देता है गाड़ी ठीक करने। भाई उस बंदे का कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो बंदा कैसे गाड़ी ठीक करेगा। इसलिए भाई गाड़ियाँ सब बर्बाद हो रहा है और पैसे तो भाई हम लोगों के पॉकेट से ही जा रहा है ना। और कुछ बोलो तो भाई ठीक है, देख लेते फिर से देख लेते हैं, लेकिन तुम लोगों के देखने के कारण हम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो गाड़ी फिर से लेगा, फिर से चेक करेगा, एक हफ्ते दो हफ्ते रख देगा गाड़ी, फिर से गाड़ी रिटर्न करेगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ फिर से गाड़ी रिटर्न लेगा, फिर से रख देगा एक दो हफ्ते, फिर से रिटर्न देगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मेरा क्वेश्चन यही है। तुम लोगों का अगर ठीक से लेवर रखना है तो तुम लोग उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दो, ठीक से समझाओ कि भाई इस गाड़ी का काम ऐसे होता है। और ये सब बाइक सेक्टर में नहीं है, कार्स में भी यही प्रॉब्लम हो रही है। मैं तो इसलिए हर वो बंदे को बोलता हूँ जिसके पास बाइक है या कार है, भाई अपना गाड़ी का बेसिक नॉलेज खुद रखो। कुछ भी हो जाएगा तुम उसको चेस कर पाओगे कि भाई मेरा गाड़ी ऐसा नहीं था, ऐसा था, तुम उसको ठीक करो। अगर तुम्हारा गाड़ी के ऊपर एकदम ही नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है, तो भाई तुमको कोई भी टोपी पहना के चला जाएगा। सो गाइस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तुम लोगों से अगली ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।